हाँ तो देखो यार, तो जब मैंने टैक्स के बारे में सोचा था तो मैंने सोचा था कि मैं साहिल जैन सर से क्लासेस लूँगा, बिकॉज मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी और मुझे उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, जो जो थी वो वीडियो बनाते थे। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं साहिल जैन की क्लासेस लूँगा, पर जब मैंने थोड़ा बहुत टैक्स के अंदर रिसर्च किया कि कौन से टीचर अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला कि आप बीबी सर से लीजिए, बिकॉज उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था। तो मेरा मन तो साहिल जैन सर का था, बट फिर भी मैंने बीबी सर से ले लिया। और जब मैंने बीबी सर से क्लासेस ली तो मेरे उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारी ज़्यादा हाई थी, बिकॉज मैंने साहिल जैन सर को छोड़ के बीबी सर की क्लासेस ली थी। तो बीबी सर से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, और उसके बाद जब मैंने उनकी बीबी सर से क्लासेस ली तो क्या मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं, तो चलिए ये वीडियो में पता करते हैं। इस वीडियो के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों की बात करेंगे। अगर सबसे पहले मैं अगर पॉजिटिव साइड की बात करूं तो सर के पढ़ाने का तरीका मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो सर क्लास में एग्जांपल देते हैं उससे आप इजीली कनेक्ट कर लोगे। टोटल 50 लेक्चर हैं और कहीं भी ये फील नहीं होता कि सर सिर्फ लेक्चर ख़त्म करवाना चाहते हैं, सिलेबस ख़त्म करवाना चाहते हैं, और जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे पेस में मूव करते रहते हैं। तो सर से टोटल दो बुक्स आती हैं, एक कम्पैक्ट और एक कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर बेसिकली बहुत सारे हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, और उसके अंदर सर ने मॉड्यूल के क्वेश्चन प्लस आरटीपी और एमटी के अंदर क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। तो हाँ, एमटीपी आरटीपी आपको अलग से देखने की लोड नहीं है। और एक कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर बेसिकली सारी की सारी थ्योरी है। तो जो उनकी कॉम्पैक्ट है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी और काफ़ी अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन कर रखा है। बट मैंने जो कॉम्पैक्ट है उसको इतना ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं किया, बिकॉज बीबी सर ने हर चैप्टर के नोट्स बनवाए हैं, जो कि आई फील कि बहुत अच्छे हैं, और मुझे कॉम्पैक्ट को इतना रेफर करने की उनकी वजह से लोड नहीं पड़ी। तो अब बात करें अगर फ्लोज की, जो कि आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, तो बीबी सर के टोटल 50 लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर 5 to 6 लेक्चर ऐसे हैं जो कि पुराने हैं। आई थिंक वो लेक्चर 2020 या 2019 के लेक्चर है जो सर ने इधर जो क्लासेस के साथ हैं जो दिए हैं अपने को। तो आई थिंक उसकी वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम जो आप लेक्चर के थ्रू बिल्ड करते हो वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगता है। और अगर आगे बात करें तो जो होमवर्क की, हाँ होमवर्क की, तो सर ने अपनी क्लासेस के अंदर इतना होमवर्क नहीं दिया, बट आप चाहो तो पर्सनली खुद से कर सकते हो होमवर्क। तो आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा बड़ा इशू है। तो विद डैट हम वीडियो को यही रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।